आज मैं आप लोगों के साथ देवे हर्ब्स के प्योर बापची बाकुची ऑयल के ऊपर रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने अमेज़न से परचेस किए थे। ये 50 ml के कंटेनर है, ग्लास कंटेनर है। ऐसा दो 100 ml के मैंने ऑर्डर किए थे और प्राइस था इसका 349 rupees। इसमें कुछ भी ऑफ वगैरह नहीं था और इसके जो शेल्फ लाइफ है वो है 36 months जो आपको दिख रहे हैं। ऐसा दो बॉटल मैंने ऑर्डर किए थे अमेज़न से। ये ऑफलाइन मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे आइडिया नहीं है, बट आपको ये ऑनलाइन ही मंगवाना पड़ेगा। तो आज मैं बाकुची ऑयल के क्या यूजेस है, कौन कौन यूज कर सकते हैं, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सब डिटेल्स आज मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकुची शायद नाम भी हम सब ने नहीं सुने होंगे। बाकुची एक फ्रूट्स बता सकते हो इसको। इसके जो कोल्ड प्रेस जो ऑयल रहते हैं ये एंशियंट टाइम से आयुर्वेदा में यूज हो रहा है। ये मेनली हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर स्कैल्प के लिए यूज होते हैं। और स्किन में अगर आपको एज ए मॉइस्चराइजिंग यूज करना है तो आप कोई भी लाइट वेट ऑयल के साथ आप इसको ऐड करके यूज कर सकते हो। जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, आमंड ऑयल के साथ आप ऐड करके या ऑलिव ऑयल के साथ ऐड करके आप इसको आपके स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओनली फॉर ये मॉइस्चराइजिंग एज ए स्किन केयर आप यूज कर सकते हो। बट ये जो बाकुची ऑयल है ये बहुत तरीके के मेडिकल कंडीशंस पे भी यूज होते हैं। जैसे ल्यूकोडर्मा हो गया, पोरोसिस हो गए हैं, इस टाइप के जो बीमारी रहते हैं इसको भी हील करने में ये आयुर्वेदा में यूज होते हैं। आपके स्किन के लिए हम लोग देखेंगे तो एक्ने पिंपल्स के जिनके इश्यूज रहते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है ये बाकुची ऑयल को वो भी मैं बता देती हूँ। पहले कोई भी फेस वॉश से अच्छे से आपके फेस को क्लीन करना है। उसके बाद आप टोनर वगैरह अगर यूज करते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं यूज करते हो तो एक ल्यूक वार्म वाटर को वाटर में थोड़ा सा कॉटन बल ऐसे डब करके आपके स्किन में हल्का सा लगाना है। उसके ऊपर ये ऑयल हल्का हल्का आपको ऐसे मसाज करना है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर के ऊपर ही आपको ये ऑयल मसाज करना है धीमे हाथों से। तो उसमें आपको जो ये एक्ने पिंपल्स के जो इश्यूज है ये धीरे 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 कम होता जाएगा। और जैसे ल्यूकोडर्मा हो गए, पोरोसिस हो गए, तो इसमें आपको ये ऑयल आप किसी आयुर्वेद डॉक्टर या जो भी कंसल्टेड पर्सन है उनसे कंसल्ट करने के बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिए। और बाकी आपकी स्किन के अगर टेक्सचर की बात करें तो आपकी स्किन के जो लाइन्स है, जो रिंकल्स है, उसको हील करने में हेल्प करते हैं। आपके स्किन को टाइटन अप, ब्राइटन अप, फर्म अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं ये बाकुची ऑयल। इसके जो टेक्सचर है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये थोड़ा सा हेवी है ऑयल और इसके स्मेल भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा करवाहट टाइप के इसके स्मेल है। इसके लिए मैंने बताया अगर आपको स्किन केयर के लिए यूज करना है, मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज करना है तो आप कोई भी स्वीट ऑयल के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे ये मैं वीडियो में आपको नहीं समझा पाऊंगी बट ये थोड़ा सा हेवी है और ये भी बहुत डीप मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड करते हैं। मैं मेरे हैंड्स पे इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, लेकिन आपको ये फील होगा कि आपने हैंड्स पे कुछ अप्लाई किए हैं, बहुत ही ज्यादा आपको हेवी फील होगा। थोड़ा सा चिपचिपापन इसमें है तो आप देख सकते हो। तो अगर आपको ऐसे कुछ स्किन में इन्फेक्शंस है तो आप इस ऑयल को आप यूज कर सकते हो, मतलब छोटा मोटा कुछ इन्फेक्शंस वगैरह, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं जो आपके स्किन के जो इचीनेस है, आपके स्किन में अगर रेडनेस के इश्यूज है या बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, व्हाइट व्हाइट हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप ये ऑयल को यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो जरूर एक लाइक शेयर और कमेंट्स कर दीजिए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।